रेडियस ऑफ स्फेयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम। तो रेडियस जो स्फेयर का दिया है वो दिया है 2r, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह में रखना है 2r³, तो हो जाएगा 4/3 पाई, 2 2 4 2 8 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, अब 4 8 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 8 4 32 पाई आर क्यूब अपॉन 3, तो 32 पाई आर क्यूब अपॉन 3 ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 96 अपॉन 6। जिसको सॉल्व करेंगे 6 1 6 और यहाँ बचा 3 और 6 6 36, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। तो ए इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 16, जिसकी वैल्यू हो गई 4। तो पूछा है देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम जो होगा क्यूब का वॉल्यूम होता है ए की पावर 3 यानी साइड क्यूब, यानी 4 की पावर 3, और 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई। तो देखो एक कोन है, ठीक है, इस कोन की हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, देन इट इज़ मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। इसी को पिघला के एक स्फीयर बनाया गया है। तो कह रहा है स्फीयर की रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, तो अगर कोई चीज़ पिघला के कभी बनाया जाएगा तो वॉल्यूम दोनों की बराबर होगी, वॉल्यूम इसकी बराबर होगी दोनों की, ठीक है। तो हम जानते हैं कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मान लेते हैं। अब हमको कोन के बारे में तो मालूम है, तो 1/3 पाई आर की जगह 2.1 का स्क्वायर, एच की जगह पर 8.4, और हमें वॉल्यूम नहीं पता है किसका, एक्चुअली रेडियस नहीं पता है किसका, स्फीयर का, तो हम 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्चुअली उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब बेसिकली सब चीज़ जो आर क्यूब को अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इन सब को ले जाएंगे तो 1/3 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4, यहाँ से 3 जो है डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इंटू 3 और अपॉन 4, ये 3 3 से कट गया, ये 4 हो जाएगा, 4 2 8 और 4 1 4, यानी 2.1 का क्यूब बचेगा क्योंकि 3 बार है इधर आर क्यूब, तो बेसिकली आर की वैल्यू हो गई 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो हो जाएगी 2.1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, देन द कर्व सरफेस एरिया विल बी। एक सिलेंडर में, मतलब ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में क्या किया गया है, रेडियस को डबल कर दिया। पहले देखो एक सिलेंडर ये है और एक नया सिलेंडर हम ये बना देते हैं, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया, पहले रेडियस r थी, रेडियस को हमने डबल कर दिया, 2r कर दिया, ठीक, और हाइट को हाफ कर दिया, पहले हाइट h थी तो नई हाइट जो है वो हमने h बाई 2 कर दिया, ठीक। तो पूछ रहा है देन द कर्व सरफेस एरिया विल बी, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRh, क्योंकि हम फॉर्मूला में ही डायरेक्ट रख देंगे, और इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2πR की जगह पर 2R और h की जगह पर h बाई 2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी हो गया 2πRh, ठीक है। अब हमने देखा जो कर्व सरफेस एरिया पुराना था और जो नया था बराबर था, तो आंसर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया विल बी सेम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज आर बाई 3 एंड स्लाइंट हाइट इज 12। मतलब एक कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी स्लांट हाइट यानी टेढ़ी वाली लाइन, ये दिया है 2l, ठीक है,
ये दिया है 2L और इसकी रेडियस दिया है r बाई टू। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की जगह पर पाई, r की जगह पर r बाई टू और l की जगह पर 2L प्लस r। अब हमें करना है जो है एक्चुअली में यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन को ये मैच करेगा, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं मैच कर रहा है। L की जगह पर 2L है और R की जगह पर R बाई टू है, सॉरी। तो हम यहाँ से इस 2 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो पाई R और ब्रैकेट के अंदर हो गया 2L अपॉन 2 प्लस R अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। तो हो जाएगा पाई R, यहाँ पर 2 से 2 कर गया L अपॉन R बाई 4 और ये ऑप्शन नंबर जो हो गया बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3। जो टू सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर ये है और एक और सिलेंडर है, ठीक है। तो इनकी रेडियस जो है वो है 2:3 में, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं 2x, तो इसकी मानना पड़ेगा रेडियस 3x, ठीक है। और हाइट आर इन रेशियो 5:3, तो इसकी हाइट अगर 5y है, अलग अलग हम कॉन्स्टेंट लेंगे तो दूसरे वाली की हाइट हो जाएगी 3y। फिर पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 इसको मान लेते हैं, वॉल्यूम 2 इसको मान लेते हैं और रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे। तो हम वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 करेंगे। वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। रेशियो निकालना है, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर 2 जा 4x स्क्वायर और यहाँ पर 3 जा 9x स्क्वायर और यहाँ पर 5y अपॉन 3y, वाई से वाई कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ 4 5 जा 20 अपॉन 9 जा 27। तो 20:27 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर, देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली जो है क्यूब इस तरह से होता है और क्यूब का जो चारों तरफ का साइड फेस होता है उसी से बनता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं। तो 4a स्क्वायर की वैल्यू दिया है 256, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 256 अपॉन 4, 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 4 जा 16, तो a स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी a इक्वल टू अंडर रूट 64 जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब यानी 8 का क्यूब, 8 जा 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 और 8 6 जा 48, 49, 50, 51, एक्चुअली 512 होता है, सॉरी ध्यान से उतर गया, ठीक है। तो 512 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। मतलब कहने का क्या है, एक समझ लो, ऐसा समझ लो क्वेश्चन को, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है जो है है 16 मीटर, 12 मीटर एंड 4 मीटर, 16 मीटर, 12 मीटर एंड 4 मीटर, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है। इसके अंदर जो है प्लैंक्स रखने हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट हो, प्लैंक्स इतने छोटे से होंगे समझ लीजिए, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर कह लेंगे, 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर कह लेंगे और हमें निकालना है कितने रख लेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि इसमें कितने डब्बे ये आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल इसके वॉल्यूम को बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम को जो है छोटे वाले क्यूबॉइड से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ जो है प्लैंक्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड, ठीक है,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइट। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबाइट क्या है, एक्चुअली वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ ब्रेथ हाइट करना होता है, मल्टीप्लाई टू 16 × 12 × 4। और याद रखना है सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, सब मीटर में है तो मीटर में है। और नीचे क्या हो गया, 4 × 0.5 × 0.2, ठीक। अब यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 100 हो गया, 2 6 12 हो गया, और 5 20 100 हो गया, तो ऊपर बचा 16 × 6 × 20, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 16 × 32, 320 × 6, 6 × 6 = 12, और 6 × 18 190, 1920 जो है ये नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन आ जो है जो भी ऑब्जेक्ट दिया था पिट, ठीक है, 1920 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन आ रूम। तो किसी भी रूम में अगर हम थ्री डायमेंशनल रूम में जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है, उसमें अगर हमें सबसे लंबी लकड़ी डाल मतलब रखनी हो, तो हम यहाँ कोने से शुरू करेंगे और इस कोने तक जाएंगे, ठीक है। और इसका अगर हमें कभी भी लेंथ निकालना होता है तो वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। अब इसमें एल और बी और एच क्या है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में 10, 10 और 5, तो 10² + 10² + 5² 10 × 100 + 100 + 25, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा, एंड 225 इज द अंडर रूट ऑफ 15, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 6 cm to 12 cm एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मतलब एक बैलून था जिसकी रेडियस पहले थी 6 cm, फिर इसे फुला दिया गया और अब रेडियस हो गई 12 cm, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशियो क्या होगा दोनों के, जो है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया 1 और इसका सरफेस एरिया 2 ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया 1 जो होगा वो होगा 4πr² और इसका सरफेस एरिया 2 होगा 4πr² r की जगह 12। और रेशियो निकालना है तो रेशियो के लिए s1/s2 यानी 4π6² / 4π12² 4π से 4π कट गया, यहाँ पर 6 × 6 / 12 × 12 है, 6 × 2 = 12 और 2 × 2 = 4 1/4 इज द आंसर, बेसिकली 1:4 इज द रेशियो, ठीक है, ऑफ देयर सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल शुरू हो गए, अब यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 13.2, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। मतलब एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की ही बात की है, 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ ठीक है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो है वॉल्यूम का रेशियो बताना है, वो देखना है, वो तो अलग बात है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट एंड डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। बेसिकली डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी इसके अंदर अगर हम पूरा स्फीयर डालें तो ये इसी के बराबर है, क्योंकि स्फीयर का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 2r होगा और इसकी हाइट क्या है 2r सिलेंडर की, और सिलेंडर की रेडियस क्या है डायमीटर एक्चुअली वो भी 2r है, ठीक। तो हमें निकालना है कि एक्चुअली जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो 2/3 है किसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा πr² × h, ठीक है, πr² × h, क्योंकि r स्क्वायर इसका डायमीटर था 2r, तो रेडियस हो जाएगा जो है r, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π × 2r³, या बेसिकली कह सकते हैं 2πr³, ये वॉल्यूम ऑफ जो है सिलेंडर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ जो है स्फीयर निकालना होगा, वो होता है 4/3 πr³, क्योंकि स्फीयर का रेडियस r है, क्यूब।
अब हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है अपॉन वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है उनका रेशियो क्या आ रहा है, इसी से पता चल जाएगा कौन किसका कितना पार्ट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया और यहाँ 2 2 कट गया। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो गया 1/2/3, जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 3/2। ठीक है, अगर इसको हम सही से कहें तो ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जो है वॉल्यूम ऑफ सॉरी इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको इधर, इसको नीचे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू 2/3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो 2/3 है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो इसमें बोला था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज डायमीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सही हो गया, यानी ये ऑप्शन 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ एंड हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज। मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और इस राइट सर्कुलर का कोन का हाइट मान लेते हैं h है, रेडियस मान लेते हैं r है। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, मतलब कि एक राइट सर्कुलर कोन का रेडियस हम कर देते हैं r/2 एंड हाइट इज डबल, और हाइट कर देते हैं 2h पहले के 2 गुना, तो वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज। तो देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr² h। ठीक, यहां से सॉल्व करेंगे 1/3 πr² / 4 × 2h, ये कट गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 × 2 πr² h, यानी 1/6 πr² h, और ये पता चलेगा कि इसके बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कह सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम बनेगा बाद में वो वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम का आधा हो जाएगा। आधा कैसे, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, यानी नया वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ ओल्ड वॉल्यूम बेसिकली। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है इन अ राइट सर्कुलर कोन हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट डू नॉट ऑलवेज बी साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो कह रहा है राइट सर्कुलर कोन, पहले ही राइट सर्कुलर कोन बोला है, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, जो एकदम सीधे खड़े रहे ऐसे। तो हम जानते हैं राइट सर्कुलर कोन का जो स्लांट हाइट होता है एल, उसका फॉर्मूला ही होता है √h² + r² और ये कैसे बनता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही बनता है, क्योंकि हमेशा ये 90° पे क्रॉस करता है। तो एल हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इसी से बनता है जो लेटरल लेंथ इक्वल टू जो है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा होगा। अब इसमें कह रहा है इन अ राइट सर्कुलर कोन हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट डू नॉट ऑलवेज बी अ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल, नहीं, दिस ऑलवेज शुड बी द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड द कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज द हाइट मस्ट बी हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल, तो एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक, और ये सिलेंडर जिसकी रेडियस पहले r थी, एक नया सिलेंडर जिसकी रेडियस डबल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब नए सिलेंडर की रेडियस हो गई 2r एंड कहाँ है, एंड कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज। तो पहले हम इसकी हाइट मान लेते हैं स्मॉल h और इसकी हाइट कैपिटल h मान लेते हैं, क्योंकि हाइट के बारे में तो कुछ दिया नहीं है। तो फिर कह रहा है देन हाइट मस्ट बी हाफ, तो क्या हाइट हाफ हो जाएगा, तो हमें देखना है
कि नई वाली हाइट जो है क्या अंत में इस तरह से आ रहा है, कैपिटल एच इक्वल टू एच बाई टू, क्या इस तरह से आएगा, यही अंत में देखना है। जबकि बोला है कि कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज, ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टू पाई आर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टू पाई आर एच, और चूंकि ये नहीं चेंज हुआ यानी दोनों बराबर होंगे, तो हम यहाँ से देखते हैं दोनों बराबर हैं, ये टू से टू कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा डिवाइड में, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो एच इज इक्वल टू जो है टू एच रहेगा, यही बचा, जिससे हम कह सकते हैं कैपिटल एच इज इक्वल टू, ये टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एच बाई टू। तो बात सही है कि अगर रेडियस को डबल करते हैं और सरफेस एरिया को हम अनचेंज रखते हैं तो हाइट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो राइट आंसर है, मतलब राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब हुज एज इज 2r इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब, तो पहले क्यूब बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक, ये हो गया क्यूब। इस क्यूब में एक राइट सर्कुलर कोन बड़े से बड़ा जो हम बना सकें, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, तो इसमें अगर हम बड़े से बड़ा कोन बताएंगे तो ये पूरे सरफेस में इस तरह से टच करेगा और यहाँ टॉप तक जो जाके टच करेगा, तो इस कोन की हाइट क्या हो जाएगी, इस कोन की हाइट अगर हम मान लेते हैं इस क्यूब की जो है, इसमें कुछ क्यूब के बारे में बोला है फिटेड इन अ क्यूब हुज एज इज 2r, हाँ, तो इस क्यूब का एज है 2r, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो एज ही के बराबर होगी ना, तो 2r हो गई, और चूंकि यहाँ से लेके यहाँ पर भी 2r है तो रेडियस क्या हो जाएगी, इस कोन की रेडियस हो जाएगी, कोन की बात कर रहे हैं, कोन की रेडियस हो जाएगी r, ठीक है। अब कह रहा है इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो हम देखते हैं कुल मिला के आंसर ये आना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब, इनका कहने का मतलब यही है क्योंकि हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसका वॉल्यूम यही होता है। तो पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह तो आर ही है, एच एच की जगह है 2r, ठीक, तो यहाँ पर हम कह देंगे 1/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर मिलके आर क्यूब हो गया इंटू टू, टू जो है आगे लिख दें तो 2/3 पाई आर क्यूब। इससे क्या पता चलता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, अगर हम किसी भी राइट सर्कुलर कोन को किसी क्यूब में रखेंगे जिसकी साइड 2r है तो वो जो वॉल्यूम बनाएगा वो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है अ सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग द सेम बेस एंड सेम हाइट, मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक राइट सर्कुलर कोन है, तो इसी के बेस भी सेम है और सेम हाइट पे है, ठीक है, तो बेस सेम है और सेम हाइट। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कह रहा है क्या इसका 3 गुना होगा, कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 times वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूरा ही लिख लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एक्चुअली हमने इसका मान लो हाइट लिया है h, रेडियस मान लो लिया है r, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है, कैपिटल एच रखेंगे, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर की जगह तो आर ही स्क्वायर रहेगा और एच की जगह एच ही रहेगा, फिर यहाँ पर काटेंगे एच से एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने बताया ना 1/ कहीं पर भी a अपॉन b रहेगा तो ये b ऊपर a नीचे रहेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा 1/3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन को उधर ले जाएंगे तो 3 क्योंकि ये 3 ऊपर चला गया था ना इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो बात सही है, क्या कहा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 times वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ट्रू, 6 वाला भी
टू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ कोन अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, क्या क्या है। पहले है कोन, देखो पहले है कोन, ठीक, फिर है सिलेंडर, सिलेंडर एंड कोन, पहले सॉरी कोन, फिर हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, तीनों एक ही बेस पर हैं, सेम हाइट के हैं, तो कैसे बनाएंगे। पहले हम एक जो है सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक, और इस सिलेंडर पे कह रहा है क्वेश्चन, इसी सिलेंडर पे एक कोन बना हुआ है, इस तरह से कोन बना हुआ है, और इसी सिलेंडर पे एक हेमिस्फीयर बना है इस तरह से, ठीक, और तीनों की हाइट बराबर है। मान लेते हैं इसकी रेडियस है आर, तो ये एक्चुअली सर्किल ही तो बना रहा है, और सर्किल की रेडियस हर जगह बराबर होती है ना, देखने में भले नहीं लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी आर, कॉमन सी बात है। नहीं समझ आ रहा है तो फिर से हम अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया एक सिलेंडर, इसी सिलेंडर में एक हेमिस्फीयर है, और इसी सिलेंडर में एक कोन है, तीनों की हाइट बराबर है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस है आर, चूंकि ये हेमिस्फीयर बन रहा है, और हेमिस्फीयर की रेडियस चाहे यहाँ से आप लीजिए चाहे यहाँ से, ये सब हेमिस्फीयर की रेडियस बराबर होती है, तो हेमिस्फीयर की रेडियस के हिसाब से ये वाला भी लेंथ आर हो गया। अब हमें कोन, सबसे पहले बात करते हैं कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह भी आर, यानी हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। दूसरा हमें लिखना है हेमिस्फीयर, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और तीसरा हमें लिखना है सिलेंडर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह भी आर, एच की जगह भी आर, तो जाएगा पाई आर क्यूब। अब तीनों चीज़ें हमें मिल गया, रेशियो में देखना है, तो रेशियो कभी भी एक साथ कोई तीन चीज़ का देखने के लिए इस तरह से लिख लीजिए, ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब, और फिर काटना शुरू करिए जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही, क्यूब से क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, तीनों को काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 तो नहीं कट पा रहा है, तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया बचा 1, यहाँ पर 3 से 3 कट गया बचा 2, और यहाँ पर 3 किसी से कटना नहीं बचा 3, तो 1:2:3 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगनल ऑफ क्यूब इज 6√3 देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3। पूछ रहा है कि अगर कोई क्यूब है, ठीक है, क्यूब बना लेते हैं, एक क्यूब है, और इस क्यूब में जो डायगनल है, डायगनल क्या, वही लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड अभी अभी हमने बताया था अगर क्यूबॉइड होता तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड कहेंगे क्यूब है तो एल भी बी भी और एच भी बराबर ही होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 3L स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 और ये स्क्वायर L से कट के बाहर आ गया L, ये होता है डायगनल ऑफ क्यूब, ठीक है। और डायगनल ऑफ क्यूब क्या दिया है, अंडर रूट 3L इक्वल टू दिया है 6√3, ठीक, ये रूट 3 डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, तो L इक्वल टू आ गया 6, L आ गया 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है देन द एज ऑफ क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, तो नो, एज ऑफ क्यूब शुड बी जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक, सही है, हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे एल माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द स्फीयर इज इंक्रीज, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब, ठीक है, तो पहले एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, इधर देखिए एक क्यूब हो गया, और इसी क्यूब में एक स्फीयर है,
स्फीयर जो है पूरी तरह से इसमें इंस्क्राइब है। स्फीयर सर्कल नहीं होता है, स्फीयर लाइक अ बॉल। ठीक, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, क्या 6/π होगा? तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। एक्चुअली साइड मान लेते हैं जो है ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, a³। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, चूंकि अगर साइड ए है तो यहां से यहां तक पूरा ए है, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा a/2। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/π a/2 का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम तो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा a³, यहाँ पर हो जाएगा 4/π a³/2 × 4 × 8। ये 4 इसको काट देगा 2 बार में, तो हो जाएगा a³/π a³/3 × 6। अब नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a³ × 6/π a³। a³ से a³ कट गया, 6/π, यानी रेशियो आ गया जो है 6:π। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यस ये भी ट्रू है। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल एंड हाइट इज हाफ देन द वॉल्यूम विल बी डबल। पूछा है यस और नो। तो इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डबल, मतलब एक सिलेंडर है, ठीक, इसकी रेडियस हम डबल कर दे रहे हैं। अब की बार फिगर डबल के हिसाब से बना देते हैं, ये आर है मान लो, तो ये हो गया 2r। ठीक, एंड हाइट इज हाफ, मतलब हाइट पहले यहाँ पर स्मॉल h था तो अब हो गया h/2। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन शायद किया गया है। तो कह रहा है देन द वॉल्यूम विल बी डबल, तो क्या वॉल्यूम डबल हो जाएगा, चलिए देखते हैं। वॉल्यूम ये वाला क्या हो जाएगा, π r² h डायरेक्ट, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, π r की जगह 2r और h की जगह h/2, यानी π 4r² × h/2। 2 × 2 यानी हो गया 2π r² h। तो हाँ वॉल्यूम जो है दो गुना हो रहा है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में सिर्फ π r² था, यहाँ पर 2π r² h। तो यस ठीक है, तो वॉल्यूम जो है डबल हो जाएगा। तो आज का सेवा यहीं तक। थैंक यू, हैव नाइस डे।